हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है इमराबन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनआरसी में आप 1971 से पहले का लैंड डॉक्यूमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो एनआरसी पे जो 1971 से पहले का लैंड डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं और कौन नहीं, यानी कौन को किसको लैंड डॉक्यूमेंट्स को यूज़ को नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, क्योंकि अगर शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, आप भी इस वीडियो को डिसलाइक कर देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, क्योंकि अगर आप या आपके परिवार में किसी व्यक्ति का एनआरसी पे नाम नहीं आया है तो आप जानना चाहते हैं कि लैंड डॉक्यूमेंट्स उनके लिए यूज़ कर सकते हो कि नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा। तो इस वीडियो का शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो दिख रहा है आपको सब्सक्राइब बटन, उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि पहले मैं आपको बताऊँगा कि किन किन लोग को लैंड डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना होगा, या उन किन किन लोग को एनआरसी में जो लैंड डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहले जो जिनके एप्लीकेशन फॉर्म पे आया है कि उनकी लिगेसी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो लैंड डॉक्यूमेंट्स को व्यवहार कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जो आप दिया थे एनआरसी सेवा केंद्र में, जो आपने रीज़न जानने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म दिए थे, वहाँ पे जो रिटर्न जो रीज़न लिख के जो फॉर्म आया है, वहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका लिगेसी जो है, जो दिया था लिगेसी, वो लिगेसी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो भी आप लैंड डॉक्यूमेंट्स को व्यवहार कर सकते हैं उनके लिए। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि लिगेसी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, या लिगेसी जो गलत है, कोई लिगेसी पे कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप लैंड डॉक्यूमेंट्स को व्यवहार कर सकते हैं, आपको लैंड डॉक्यूमेंट्स को व्यवहार करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताऊँगा कि किन किन लोग को एनआरसी जो लैंड डॉक्यूमेंट्स को व्यवहार नहीं करना होगा, किन किन लोगों को सिर्फ लिंकेज डॉक्यूमेंट से हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि लैंड डॉक्यूमेंट्स को व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो डाउट्स क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, और यहाँ पर आप देखिए और किन को नहीं करना होगा जो लैंड डॉक्यूमेंट्स को व्यवहार, यानी जो जो ज़्यादातर जो मैरिड लोग हैं, जो मैरिड महिला है, उनको ज़्यादातर नाम एनआरसी पे नहीं आया है, क्योंकि वो जो जीपी का सर्टिफिकेट यूज़ किया है तो उन लोगों को प्रॉब्लम आया है, उन लोगों का नाम नहीं आया है। तो उन लोगों के लिए जो लैंड डॉक्यूमेंट्स को यूज़ नहीं करना होगा, अगर उनका जो जो रीज़न फॉर्म में उनका जो लिंकेज डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम आया है, तो उनके लिए सिर्फ आप लिंकेज डॉक्यूमेंट्स को ही दे सकते हैं, बार सर्टिफिकेट या जो स्कूल सर्टिफिकेट, जो काउंटर सिग्नेचर वाला, अगर आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट तो उनके लिए आप सिर्फ लिंकेज डॉक्यूमेंट्स के लिए आप दे सकते हैं, जो स्कूल सर्टिफिकेट काउंटर सिग्नेचर वाला, तो उनके लिए आपको लैंड डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ लिंकेज डॉक्यूमेंट्स को ही देना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को समझ आया होगा। अगर आप इस वीडियो को समझ आ गया होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक तो आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपके इस टॉपिक के अलावा कोई भी एनआरसी के रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मेरे मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको सही आंसर ज़रूर बताऊँगा, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।